आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटल टैग की, या फिर मैं कहूँ मेटा टाइटल की। ये एक इम्पॉर्टेंट टैग होता है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना ही होता है जब भी हम किसी वेबसाइट का SEO करते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप एक वेब पेज का टाइटल चेंज कर सकते हैं और आखिर ये जरूरी क्यों है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत, वेलकम यू ऑल ऑन WSKeepTech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं आपकी वेब पेजेस के टाइटल टैग की। यानी जब भी आप गूगल पर कुछ भी टाइप करते हो तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उन रिजल्ट्स के दौरान जो आपको वहां पर वेब पेज दिखता है, उस वेब पेज पर जो टाइटल लिखा रहता है, उसे हम टाइटल टैग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सर्व पर चलते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि आखिर टाइटल कैसा दिखता है और उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं अगेन एक कीवर्ड यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, दैट इज़ बाय फर्नीचर ऑनलाइन। ठीक है, बाय फर्नीचर ऑनलाइन यहाँ पर टाइप किया तो ये तो हमारी सारी एड्स आ गई। वैसे एड्स में भी आपको टाइटल दिख रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर विजन देना चाहती हूँ। तो देखिए, ये मेरी वेबसाइट 1 नंबर पर आई, तो इस वेबसाइट का ये देखिए, ये तो यहाँ पर है URL। ठीक है, ये आप देखेंगे www, जो पेपर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, तो www.pepperfry.com फर्नीचर, ये मेरा एक पर्टिकुलर मेरा URL है। लेकिन ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे इस वेब पेज का टाइटल है। ठीक है, बाय वुडन फर्नीचर फॉर होम ऑनलाइन इन इंडिया पेपरफ्राई। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, टाइटल है। दूसरी हम वेबसाइट पर आते हैं, अर्बन लेडर, तो अर्बन लेडर में आप देखेंगे तो ये मेरा टाइटल है। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है, ये मेरा टाइटल है। अब इसको ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पहली चीज, जब भी हमारा ऑडियंस, मान लीजिए हमारी वेबसाइट रैंक भी कर रही है फर्स्ट पेज पर, लेकिन उस फर्स्ट पेज पे भी उन सारी वेबसाइट्स में से, वेब पेजेस में से ऑडियंस हमारी वेबसाइट को क्लिक करें, इसके लिए कुछ एंटाइसिंग उसे दिखाना जरूरी होगा। तो ये टाइटल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये बहुत बोल्ड होता है, तो बोल्ड में अगर हम अच्छे कीवर्ड्स लिखेंगे, अच्छी अच्छी उसमें हम चीजें लिखेंगे, इंटाइसिंग क्रिएटिव अगर हम टाइटल लिखेंगे ना, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हमारी ऑडियंस के इंप्रेशन के बाद में CTR यानी क्लिक थ्रू रेट हमारी बढ़े। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए, ये टाइटल है। ठीक है, ये टाइटल है। उसके अलावा टाइटल को देखने का तरीका कि सिंपली इस वेबसाइट को आपने ओपन किया। ठीक है, जैसे मैं 2-3 यहां पर वेबसाइट ओपन कर लेती हूं। ठीक है, जैसे पहले मैंने पेपरफ्राई ओपन कर ली, ये hometown.in ये वेबसाइट कर लेती हूं। अब देखिए, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरे यहाँ पर मैंने अलग अलग टैब्स में 2 वेबसाइट खोल दी हैं, तो जब मैं अपना कर्सर यहाँ पर ऊपर लेकर जाती हूँ इधर टैब्स में, तो टैब्स में आप देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो विंडो यहाँ पर पॉपअप हो रही है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये भी मेरा टाइटल है। ठीक है, आप देख सकते हैं, फर्नीचर ऑनलाइन बाय वुडन फर्नीचर फॉर होम एंड ऑनलाइन, ये मेरा टाइटल है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मेरा टाइटल मुझे शो हो रहा है। ठीक है, कई बार ये अलग अलग भी शो होता है, क्योंकि जो हमारा बेसिकली सर्वर है, जो हमारा ब्राउजर है, वो हमारी वेबसाइट के कहीं से भी टाइटल जो है पिक कर लेता है, तो इसीलिए टाइटल को हम खुद से ऑप्टिमाइज करते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हमारी ऑडियंस को दिखे, ना कि सर्वर के अकॉर्डिंग दिखे। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि सोर्स कोड में भी हमारा टाइटल दिखता है, वो कैसे दिखता है। तो अगेन, ये हमारी कोई भी वेबसाइट मैंने ओपन कर ली, Ctrl+U मैं प्रेस करूंगी तो आप यहां पर देखेंगे कि बहुत सारी आपको कोडिंग दिखाई दे रही है, इस पर नहीं जाना, सिंपली Ctrl+F हमें टाइप करना है। Ctrl+F का मतलब इस सोर्स कोड में हमको ढूंढने की, यानी F फॉर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सिंपली लिखूंगी टाइटल। ठीक है, टाइटल में लिखूंगी तो ये देखिए, यहां पर ये एक लाइन आ गई जिसमें मेरा टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइटल इससे बंद है, ये देखिए, फर्नीचर ऑनलाइन बाय वुडन फर्नीचर फॉर होम ऑनलाइन इन इंडिया एंड पेपरफ्राई। और यही टाइटल अभी हमने देखा कि यही हमारे बाहर था, यानी हमारे सर्व पर भी यही शो हो रहा था। ठीक है, तो यहां पर आप टाइटल देख सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी टॉप पर ये हमारा टाइटल रहता है, इसीलिए टाइटल को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगेन यहां पर सिंपल सा प्रिंसिपल लग रहा है और उस प्रिंसिपल का नाम है कीवर्ड प्रोमिनेंस। जितना ज्यादा हायर साइड पर हमारा कीवर्ड रहेगा, उसी कीवर्ड के रैंक होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि जब भी आप अपने किसी भी वेब पेज के टाइटल को ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, या फिर मैं कहूँ ऑप्टिमाइज करेंगे कैसे, कैसे उसे SEO फ्रेंडली बनाएंगे जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़े। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपके टाइटल में आना चाहिए। देखिए, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि URL में हम प्राइमरी कीवर्ड रखेंगे, और प्राइमरी कीवर्ड को और हम कहाँ रखेंगे, हमारे टाइटल में रखेंगे। ठीक है, उसी के साथ ही टाइटल में आपके कीवर्ड के आने के साथ साथ ही आपकी ब्रांड नेम भी आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल्स नहीं चाहिए, हमें हमारी ब्रांड इमेज भी क्रिएट करनी है, लोग हमारी ब्रांड को जाने, तो इसीलिए हम अपने टाइटल में
अपने कीवर्ड के साथ साथ पूरा एक अच्छा सा सेंटेंस बनाएंगे और उसके साथ में हमारा ब्रांड नेम भी लिखेंगे। ठीक है, ब्रांड नेम मतलब जैसे हमारा WS CubeTech है, अभी हमने देखा तो पेपर फ्राई हमारा ब्रांड नेम था, और पेपर फ्राई में भी आपने देखा तो इन्होंने अपना बेसिकली जो ब्रांड नेम था वो अपने टाइटल में डाल रखा था। ठीक है, तो ब्रांड नेम के साथ साथ हम अपना प्राइमरी कीवर्ड उसमें पुट करेंगे। उसी के साथ साथ कई लोग ये गलती करते हैं कि एक से ज़्यादा अपने कीवर्ड जो हैं वो पुट करने की कोशिश करते हैं टाइटल में और सोचते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो रैंक कर जाएगा, दो कीवर्ड्स हम पुट करेंगे तो दोनों पर रैंकिंग के चांसेस बढ़ेंगे। देखिए, ये गलती नहीं करनी है, हमें एक लिमिट भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि कितनी लिमिट होती है कैरेक्टर्स की और उसको कैसे चेक करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको यही बोलूंगी कि एक ही लॉन्ग टेल कीवर्ड आप वहां पे पुट कीजिए, अच्छा सा सेंटेंस बनाइए, ब्रांड नेम डालिए। अगर दो कीवर्ड्स आपने पुट किए तो बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग आपकी हो जाएगी और ना गूगल ये चाहता है और ना ही ऑडियंस एक्सपीरियंस के लिए ये चीज अच्छी है। सो मेक श्योर आप एक ही कीवर्ड, एक ही लॉन्ग टेल कीवर्ड आप अपने टाइटल में पुट कीजिए। उसी के साथ ही ये भी चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनके टाइटल सेम हैं तो उनके टाइटल डिफरेंट डिफरेंट आपको लिखने हैं। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड कैनिबलिज्म हमें नहीं करना है। कीवर्ड कैनिबलिज्म मतलब जब हमारे एक से ज़्यादा वेब पेजेस जो हैं हमारी वेबसाइट के वो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम नहीं चाहेंगे कि एक ही कीवर्ड को हम टारगेट रखते हुए दो तीन वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करें। तो इसीलिए सेम टाइटल किसी भी दो पेजेस का या फिर एक से ज़्यादा पेजेस का नहीं आपको रखना है। उसी के साथ ही क्रिएटिव कुछ टाइटल रखना है, कुछ कैची रखना है, कुछ आप उसमें डायरेक्ट कॉल टू एक्शन डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हैवी डिस्काउंट्स ऑन समथिंग एट बेस्ट प्राइसेस, हैसल फ्री, इस तरह के कुछ कॉल टू एक्शन हम डाल सकते हैं जिससे कि हमारी ऑडियंस जो है काफी ज्यादा एंटाइस हो और हमारी वेबसाइट पर वेब पेज पर क्लिक करे। अब बात कर लेते हैं कि हमारे टाइटल की लेंथ क्या होनी चाहिए। देखिए, पहले अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो कैरेक्टर्स में बोला जाता था कि 62 to 65 कैरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन अभी गूगल ने पिक्सल्स का एक सिस्टम निकाला है। पिक्सल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देती हूं कि जैसे हमारा एक लेटर है ए, यानी ए फॉर एप्पल, और एक है आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, दोनों लेटर्स पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो ए, भले दोनों एक एक कैरेक्टर्स हैं लेकिन ए जो है वो काफ़ी जगह कवर कर रहा है, काफ़ी स्पेस कवर कर रहा है, आई उसके कंपैरिजन में कम स्पेस कवर कर रहा है। तो इसीलिए जो ए है हमारा वो ज़्यादा पिक्सल का कवर करेगा और आई जो है वो कम पिक्सल करेगा। तो अगर मेरा कोई ऐसा टाइटल है, अगर मैं आई आई बार बार यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरा टाइटल छोटा दिखेगा, लेकिन अगर मैं ए ही यूज़ कर रही हूँ, मान लीजिए 15 बार मैंने ए यूज़ किया है, तो मेरा टाइटल बड़ा दिखेगा। तो इसीलिए अब हम कैरेक्टर्स को काउंट नहीं करते बल्कि हम पिक्सल्स को काउंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। टाइटल के पिक्सल्स चेक करने के लिए मैं जा रही हूँ toTheWeb.com, ये आप कॉपी कर सकते हैं, इस टूल का मैं काफी हेल्प लेने वाली हूं और मैं एक्चुअल में भी लेती हूं, दैट इज toTheWeb.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे। यहां पर आप सिंपली आपको जाना है टूल्स वाले ऑप्शन में, ये देखिए टूल्स वाला ऑप्शन है, टूल्स वाले में हम जाएंगे, SEO टूल्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसके अलावा टेस्ट टाइटल्स मेटा डिस्क्रिप्शन विजिबिलिटी इन गूगल, इसको मैं क्लिक करने वाली हूं, और ये क्लिक करने के बाद में स्क्रोल डाउन जैसे ही आप करेंगे तो ये देखिए पेज टाइटल का ऑप्शन है। अब यहां पर आप अपना टाइटल लिखकर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके कितने पिक्सल्स हैं। ठीक है, सो जैसे मैं अपना यहां पर जो मैंने अभी कीवर्ड, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने जो लिया था, मैं ये वाले कीवर्ड को लेने वाली हूं, दैट इज हाउसकीपिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, तो मैं कुछ एक अच्छा सा सेंटेंस बनाने की कोशिश करती हूं और इसमें मैं अपना ब्रांड नेम भी डालूंगी। और फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसे हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसका नाम है अर्बन सिटी। ठीक है, अर्बन सिटी, जैसे अर्बन क्लैप है ना, तो मैंने थोड़ा सा उसको कॉपी करने की कोशिश की, तो अर्बन सिटी मेरी जो पर्टिकुलर मेरी जो वेबसाइट है या फिर मेरी ब्रांड है या फिर मेरी जो बिजनेस है उसका नाम है। ठीक है, ये मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, सो ये मेरा मेन कीवर्ड हो गया, मैं इसको देख लेती हूँ कि हाउसकीपिंग सर्विसेज इन दिल्ली मुझे टारगेट करना है क्योंकि मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। अब चलिए टूल्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना एक टाइटल लिखती हूँ। ये देखिए, अब मैंने अपना बेसिकली यहाँ पर टाइटल लिखा है, मैं इसको एक बार जूम कर देती हूँ। ठीक है, बुक हैसल फ्री हाउसकीपिंग सर्विसेज इन दिल्ली। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा जो मेन कीवर्ड था, यानी मेरा जो प्राइमरी कीवर्ड था, वो यहाँ पर आ चुका है, मेरा ब्रांड नेम आ चुका है, उसी के साथ ही मैंने इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखा है और साथ ही मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं की है और मैंने कुछ यहाँ पर एक एंटाइसिंग वर्ड भी डाला है, जैसे बुक हैसल फ्री। ठीक है, हैसल फ्री मतलब बिल्कुल जो बिना किसी हॉच पॉच के, बिना किसी ट्रबल के आप यहाँ पर हाउसकीपिंग सर्विसेज बुक कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि योर पेज टाइटल इज एन एक्सेप्टेबल लेंथ
अब एक्चुअल में लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो देखिए मैं कुछ यहाँ पर कीवर्ड डालती हूँ, तो यहाँ पर ये बता देगा टूल कि पेज टाइटल शुड बी अराउंड 580 पिक्सल्स इन लेंथ। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 580 के आसपास पिक्सल्स होने चाहिए। कैरेक्टर्स में आपको बता चुकी हूँ कि 62-65 कैरेक्टर्स आपको रखने हैं। ठीक है, सो 580 पिक्सल्स तक हमें रखने हैं, तो इसीलिए 580 के अब देखेंगे तो 546 है, तो इसके अंडर होना चाहिए। तो ये एकदम मेरा सही टाइटल मैंने लिखा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने कुछ चीजें यहां पर आपको बताई हैं कि आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, पिक्सल्स के अंडर होना चाहिए, तो वो चीजें आपको ध्यान रखती हैं, बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और दो चीजें ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कीवर्ड और दूसरा हमारा ब्रांड नेम। ठीक है, सो ये मैंने यहां पर मेरे पेज का टाइटल लिख दिया है। अब यहां पर ये जो टूल है ना, ये आपको देखो बता भी रहा है, आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो जैसे ये मैंने यहां पर टाइटल लिखा और मैं इसको स्क्रॉल अप करती हूं, तो देखो टिपिकल डेस्कटॉप रिजल्ट कि सर्व पर जब मेरा पर्टिकुलर ये टाइटल दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा कि बुक हैसल फ्री हाउसकीपिंग सर्विसेज इन दिल्ली अर्बन सिटी। और मोबाइल में जब कोई सर्च करेगा गूगल सर्च पर तो उसे कुछ इस तरह से दिखेगा कि बुक हैसल फ्री हाउसकीपिंग सर्विसेज इन दिल्ली एंड अर्बन सिटी। ठीक है, सो ये आपने देखा, हमने सिंपली हमारा जो टाइटल था उसे हमने पुट कर लिया है। अब इसको हमारी एसईओ रिपोर्ट में कैसे लिखना है वो सिंपली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। जैसे हमने ये यूआरएल यहां पर लिखा था कि करंट यूआरएल, सजेस्टेड यूआरएल, वैसे ही अब हम लिखेंगे कि टाइटल, इसी पेज का अब हमें टाइटल क्या लिखना है। तो टाइटल हम क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पर आपके लिए लिखा है, आप यहीं पर ही चेक कर सकते हैं, यहीं पर ही आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि कितने पिक्सल्स हमें यूज़ करने हैं। तो ये मेरा इस पर्टिकुलर जो मेरी पेज है, इस पर्टिकुलर पेज के लिए मेरा ये टाइटल हो गया। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर वर्डप्रेस में हम अपने टाइटल को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये एक प्लगइन है जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा प्लगइन है। वैसे तो योस्ट भी हमारे पास एक प्लगइन है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा वो पेड वर्जन मांगता है, तो इसीलिए मैं ये वाला प्लगइन यूज़ करती हूँ। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ऑल इन वन एसईओ ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, ये मेरा अभी तक इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे तब आपको सिंपली आना है अपने पेजेस में। ठीक है, तो एक एक पेज का हम टाइटल लिखने वाले हैं, तो ऑल पेजेस में आप आ जाइए। पहले मैंने ये वाला पेज लिया था एक्स वाई जेड, तो मैं अभी भी इसी को ही ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपका AIO SEO यानी ऑल इन वन SEO इंस्टॉल्ड हो जाएगा, तो ये आप देखेंगे कि आपके पेज जो हैं उनके आगे ये इस तरह से ये सिंबल आ रहा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन। तो एक्स वाई जेड ये जो मेरा पेज है, इस पर मैं जाती हूँ और ये जो यहाँ पर एक टाइटल लिखा हुआ है, ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर टाइटल, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको, और यहाँ पर ये जो ये एडिट का साइन है, ये जो पेंसिल बनी हुई है, इसको आपको करना है क्लिक, और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये साइट टाइटल, सेपरेटर, पोस्ट टाइटल, तो इसको हमें कर देना है डिलीट। अब यहाँ पर जो भी हमने टाइटल लिखा था, जैसे ये वाला टाइटल था, ठीक है, तो मैं इसी को एग्जांपल ले रही हूँ, तो इसी को ही अब मैं जाके वहाँ पर कर दूंगी पेस्ट। तो ये देखिए ये टाइटल वाला ऑप्शन है, तो मैं इसको यहाँ पर टाइटल मैं लिख देती हूँ, और टाइटल लिखने के बाद में ये जो ओके वाला बटन है, ये जो ग्रीन साइन आ रहा है, इस पर मैं कर दूंगी क्लिक। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये मेरा टाइटल यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसी पेज को एक बार ओपन करके देख लेती हूँ, तो ये अभी पर्टिकुलर जो है लाइव नहीं है वेबसाइट, तो ये एक्स वाई जेड पेज था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरे तरीके से। ये देखिए यहाँ पर इसका हमने यूआरएल तो पहले ही कर लिया था, अब मैं यहाँ पर इधर ऊपर कर्सर लेकर जाती हूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा टाइटल जो है शो हो रहा है, पॉपअप हो रहा है। ठीक है, सो बुक हैसल फ्री हाउसकीपिंग सर्विसेज इन दिल्ली अर्बन सिटी, ये यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर हमारा टाइटल सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो ध्यान रखनी है आपको जब भी आप टाइटल ऑप्टिमाइज करें। अब ये चीज जो हमने इस पेज के लिए की है, यही चीज आपको हर एक वेब पेज के लिए करनी है। उनके जो भी आपने कीवर्ड्स निकाले हैं उनको आपको पुट करना है, कुछ अच्छा अपना ब्रांड नेम लिखना है, अच्छा सा टाइटल लिखना है, और पिक्सल्स का जरूर याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से आपको अपने वेब पेजेस का टाइटल लिखना है और उसे चेंज करना है, और साथ ही हमने यहाँ पर बात की एक ऐसे टूल की जिससे आप अपने टाइटल का पिक्सल चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोज में और भी कई फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे, और भी चीजें ऑप्टिमाइज करेंगे, तो बने रहिए इसी तरह से डब्ल्यू एस क्यूब टेक के साथ। मेक श्योर एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, एंड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। थैंक यू सो मच।